हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली डीआरडीओ ने अभ्यास जो है इसका टेस्ट किया है उड़ीसा के कोस्ट से। तो काफ़ी कुछ देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस अभ्यास के लिए मेंशन की गई है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो अभ्यास की मेन स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है, आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप, यानी कि भारत ने खुद से ही यहाँ पर डेवलप किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिट बोला जाता है। और ये जो फ्लाइट जो टेस्ट किया है, इसका नाम है अभ्यास। तो ये जो टेस्ट किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो चंडीपुर कोस्ट है बे ऑफ बंगाल के उड़ीसा में। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर टेस्ट की जाती है, लेकिन ऐसे जगह जनरली टेस्ट ली जाती है जहाँ पे कुछ खतरा ना हो, यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो उड़ीसा से यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने जो है यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट जो है कंडक्ट की है। तो यहाँ पे डीआरडीओ के जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, तो पूरी की पूरी जो अभ्यास की टीम है, जिन्होंने फ्लाइट की सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उनको कंग्रेचुलेट भी किया है यहाँ पे। तो मेनली अगर देखेंगे, ये जो टेस्ट लॉन्च किया है एरियल टारगेट जो है अभ्यास के, तो ये भी अभ्यास जो है इसको डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है डीआरडीओ के जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो बेंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पे इस टेस्ट के साथ काफी सारे जो है जो फ्लाइट ट्रायल्स भी एक्चुअली ली जाती है। तो यही एक फ्लाइट ट्रायल है इस पे, क्योंकि देखिए फ्लाइट ट्रायल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ये पता लग सकता है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जब फुल फ्लेजेड ये बन के तैयार हो जाती है। क्योंकि जब जरूरत पड़े, तब अगर ये फुल्ली रेडी ना हो, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे जो फ्लाइट टेस्ट में, यहाँ पे जो एक ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स भी यहाँ पे यूज किया गया था, और उसके साथ इनिशियल एक्सीलरेशन भी जो इस फ्लाइट में प्रोवाइडेड है, यानी कि बहुत ही तेजी से ये इनिशियली एक्सीलरेट कर सकती है अपने आप को। तो इसमें काफी कुछ चीजें जो मेंशन की गई है, भले ही वो अलग अलग तरीके से, तो इसको ट्रैक भी किया जा सकता है टेलीमेट्री और अलग अलग ट्रैकिंग सेंसर्स के थ्रू, और जो रेडार और फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू इसको ट्रैकिंग भी किया गया था ड्यूरिंग इट्स टेस्ट फ्लाइट। थोड़ा सा अगर इसके जो फंक्शनिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, तो देखिए ये अभ्यास जो है इस पावर्ड है। जनरली कोई भी फ्लाइट होती है, कोई भी एरियल चीज, उसमें पावर हो, आप हाथ से भी कुछ चीजें फेंक के मारेंगे, आपकी पावर उसमें भेजते हैं, फ्यूल हो या कुछ भी चीज के पीछे एक पावर होती है। ये जो है इसको पावर्ड है गैस टर्बाइन इंजन। तो इसमें देखिए लॉन्ग एंड्यूरेंस फ्लाइट दे सकती है, और ये सबसोनिक स्पीड है, यानी कि हवा में जो शब्द की जो रफ्तार है उससे कम होगी इसकी रफ्तार। तो यहाँ पे जो डीआरडीओ ने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो इसमें मेन टेक्नोलॉजी है उसको एमएसएमई नहीं है, ये एमईएमएस है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। तो फ्लाइट में खुद से ही इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है, खुद से नेविगेट कर सकती है अपने आप को, और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है जहां पे इसको गाइडेंस और कंट्रोल दिया जा सकता है। तो इस फ्लाइट की सबसे बेस्ट है कि फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जो डिफेंस के कामों में बहुत ज्यादा यूज हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे मेन देखिए, इस व्हीकल को जो है लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे कुछ जनहानि ना पहुंचे। तो मेनली देखिए, ऐसे चीजें जो आती है अभ्यास से रिलेटेड, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी अगर आपको डिफेंस के बारे में भी पूछा जाए, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ व्यू आप ऐसे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जिससे आपके आंसर्स और भी मैच्योर हो। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, इसने डीआरडीओ ने अभ्यास की टेस्ट फ्लाइट उड़ीसा से की थी। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए।
ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।